आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर थर्ड जो शब्द विचार चल रहा था हमारा, आज उसका लेक्चर नंबर थर्ड लेक्चर है ये, जिसमें हमने फर्स्ट में शब्द विचार शब्द की परिभाषा देखी थी, फिर शब्द का वर्गीकरण देखा था हमने पहली वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर, और सेकेंड क्लास में देखा था रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे आज हम, ठीक है। तो सेकेंड वर्गीकरण हम देखते हैं उसका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शब्द विचार में रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। दूसरा शब्दों का वर्गीकरण है रचना, दूसरा प्रकार है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, इस आधार पर शब्दों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है रूढ़ शब्द और दूसरा है इसी का यौगिक शब्द। ओके, चलिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं इसकी हम परिभाषा देखेंगे और इसके उदाहरण देखेंगे। अर्थात ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते यदि इनके टुकड़े करके देखें तो भी इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। अर्थात कहने का ये मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। उदाहरण के लिए जैसे घर एक शब्द है, रूढ़ शब्द कहलाएगा। कैसे? देखो मैं इसको अलग अलग करता हूँ, घा और रा, घा धन रा, इनका कोई अर्थ नहीं निकलना ना दोनों का, सेपरेट होने पर अलग अलग करने पर इनको। दूसरा लिखना गुरु, गांव में छोटा हूँ और रामा हूँ, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलना। तो इस टाइप के शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाथ धन था, हमें यहाँ की मात्रा और था हाथ, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलना, तो ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। चलिए अब हम सेकेंड उसका प्रकार देखते हैं। सेकेंड प्रकार क्या है? खाना मरखा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होगी? ऐसे शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, अर्थात योग, अर्थात जोड़ना, योग मतलब दो शब्दों के जोड़ने से ये बनते हैं, योग अर्थात दो, योग का अर्थ
योग का अर्थ होता है दो शब्दों को आपस में, दो शब्दों को आपस में जोड़ना, उसमें जोड़ना एवं, दो शब्दों को आपस में जोड़ना एवं इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, और टुकड़े करने पर ये सार्थक अर्थ देते हैं, अर्थात जब इनका जब जब इनको अलग अलग करके, अलग अलग करके लिखा जाता है, करके लिखा जाता है तो ये सार्थक अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे उदाहरण के लिए इनसे पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब इसको मैं दो भागों में तोड़ता हूं, कैसे टूटेगा ये, कैसे ये अलग अलग करेंगे हम इसको, जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। अब यहां पे आप देखेंगे पुस्तक, पुस्तक एक सार्थक शब्द बना, दूसरा आलय, आलय मीन्स होता है घर, दोनों का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है ना, तो इस टाइप के शब्दों को हम यौगिक शब्द कहेंगे, क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। और दूसरा हम एग्जाम्पल देखें तो परोपकार, परोपकार, इसका हम टुकड़ों में विभाजन करेंगे अलग अलग तो क्या निकलेगा, देखिए पर धन उपकार। तो यहां पर भी आप देखें तो पर मींस क्या होता है, पंख, पक्षियों के पंख होते हैं, तो ये भी एक अर्थ दे रहा है, और उपकार, उपकार मतलब उपकार करना या दूसरों का भला करना, इस टाइप से ये अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। तो ये दोनों आपका फर्स्ट देखा हमने रूढ़ शब्द, और सेकंड देखा यौगिक शब्द, इस प्रकार के शब्द रचना या व्युत्पत्ति के वर्गीकरण के आधार पर इनको रखा गया है, ठीक है। चलिए इस टाइप के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इनको सर्च करेंगे और लिख कर देखेंगे, बना कर देखेंगे, ठीक है। एक और शब्द होता है जिसको हम योग ऋण शब्द कहा जाता है, एक योग थर्ड वाला हम देखें इसी में, योग ऋण शब्द, इसको भी व्युत्पत्ति के आधार पर रखा गया है इसका वर्गीकरण में। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं, शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, हो सकते हैं, परंतु परंतु क्या होगा, उन टुकड़ों का सीधा अर्थ, उन टुकड़ों का, टुकड़ों का सीधा, उन टुकड़ों का सीधा अर्थ, सीधा अर्थ नाम निकल कर कोई विशेष अर्थ निकलता है, क्या बोले, ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकल कर, ना निकल कर क्या होगा, ना निकल कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, कोई विशेष अर्थ देते हैं
ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नीलकंठ, नील कंठ, इसका हमने अलग अलग किया तो नील और कंठ। नीलकंठ अर्थात किसका कंठ नीला होता है? नीले कंठ वाले, अर्थात जिसका अर्थ है अलग ही कुछ अर्थ दे रहा है। नीले कंठ वाले कौन है? नीले कंठ वाले, नीले कंठ वाले भगवान से होते हैं ना, तो नीले कंठ अर्थात उनका जो गला होता है, आपने देखा होगा जब उन्होंने अमृत पिया था तब उनका गला नीला हो गया था, तो ना नीलकंठ वाले भगवान शिव। तो ये एक तीसरे शब्द को बता रहा है, एक तीसरे शब्द के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्थ दे रहा है। तो इस टाइप के शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द। टुकड़े तो हो रहे हैं, इनके टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरा तीसरा शब्द बताते हैं, तीसरे शब्द के बारे में कुछ अर्थ देते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं, शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। और एग्जाम्पल देखें हम, जैसे नीरज, 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 नीर धन जा, क्या बना? नीरज, नीरज, नीरज भी एक शब्द है जिसका कोई अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे नीर मीन्स क्या होता है आपको मालूम? जल। नीर मीन्स क्या होता है? जल। और जा मीन्स होता है जन्मा, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म कौन लेता है मालूम है आपको? कमल, कमल का जो पुष्प है वो जल में खिलता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम ये क्या क्या देख लिया इसमें। सबसे पहले हमने देखा योग रूढ़ शब्द, दूसरा देखा योगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक। चलिए आज हम इतना कवर कर लिया है हमने शब्दों का वर्गीकरण में। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार।